बस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ का अजायक कितना पवित्र मंदिर है, ये बहुत अच्छा है। मेरे को तो आज यहाँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। पवित्र स्थल को छुपा के नहीं रखना चाहिए। तो ये शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना, और मुझे ये नहीं पता है कि कितने साल पुराना है, पर किसी ने बताया था, किसी दोस्त ने बताया था। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है कि मतलब यहाँ पर फ्लैटों की ज़मीन जब बिक्री थी तो इस मंदिर को तोड़ा जा रहा था। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, टूटा वूटा पड़ा है, इसे तोड़ा जा रहा था। पर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम था फ्लैट बनने का, तो फिर इस चीज़ को तोड़ा जा रहा था, यहाँ इस जगह को, पर किसी शक्ति ने इसे तोड़ने नहीं दिया। क्योंकि जब इसे तोड़ा जा रहा था तो फिर कुछ ना कुछ अनहोनियाँ होने लगी, जैसे कि मशीन ख़राब होने लगी या कारीगरों की तबीयत ख़राब हो गई, काम में कुछ ना कुछ कमी आ रही थी। इस वजह से यही छोड़ दिया गया है शुरू से कि अब ये मंदिर के लिए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे कोई पवित्र पवित्र देवता है यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ की रक्षा करते हैं। तो आप लोगों को भी अगर मन की शांति चाहिए तो यहाँ पे आइए, यहाँ के दर्शन करिए। और अगर यहाँ पे आप लोग दर्शन करने आओगे तो प्लीज़ यहाँ की थोड़ी सेवा भी करनी होगी आपको, कि यहाँ पे सफाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाओगे तो आपको सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा पवित्र स्थल है और लोगों की नज़रों में नहीं है, पर ये है ना, यही बात होती है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ दुख होते हैं, तो मेरे को यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने लाइफ की कुछ परेशानी किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा लगा मुझे। तो मैं ये एक बार यहाँ पे आके देखिए, बहुत अच्छा मंदिर है ये, देखिए बहुत पुराना भी है। मेरे दोस्त ने इसके बारे में बताया था कि मतलब ऐसी ऐसी कहानी है इसकी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाई जाए। ऐसी चीज़ छुपाने की नहीं होती वैसे, इसलिए आप लोगों को सही रास्ता ही दिखाऊंगा मैं हमेशा। गंगा है तेरी जगाओ में, जगाओ में।
अरे तो चलो ठीक है आंटी जी, राम राम। जा रहे हो? हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, कैसे लगा आपको यार मंदिर? मंदिर बहुत अच्छा है। तो हनुमान जी के दर्शन करने आया था बालाजी के, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। सच में अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे। महादेव जी के दर्शन हुए, बालाजी के दर्शन हुए, हनुमान जी और श्री कृष्ण भी, श्री राम भी, सब है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात मन की शांति है, और आप लोग के जो भी दुख सुख हैं वो यहाँ पे भगवान के साथ बांट सकते हो। और मेरे को यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे किसी पवित्र देवता की आत्मा है, और जिसके द्वारा हमें मन को शांति मिलती है। और मैं, मेरे को विश्वास है मैं 3 महीने बाद अपनी लाइफ में सक्सेस होके रहूँगा, कुछ ना कुछ करके रहूँगा, देख लेना। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? आज बोल रहा हूँ, ये है 12-13 फरवरी है आज, और मैं 3 महीने बाद कुछ करके दिखा दूंगा आप लोगों को।